धार्मिक नगरी काशी में तीज त्योहार का बड़ा महत्व है। वाराणसी का लक्खा मेला भी काफी प्रसिद्ध है। लक्खे मेले में शुमार चेतगंज की नक्कटैया का गत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक भव्य मेले के रूप में आयोजन हुआ। भारतीय सनातन परंपरा है, इसी सनातन परंपरा को लेकर के भारत का कड़कड़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करता है। उसका यही कारण है कि भारत में सनातन इतना मजबूत है। उसी सनातन के अछूत बनाने की परंपरा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विचार में रखा और रखते हुए कहा कि काशी तो त्योहारों का नगर है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ 7 बार 9 त्यौहार। उनका कहने का मतलब था कि यहाँ तो हम खोजते हैं कोई आयोजन और प्रत्येक आयोजन को खोज करके हम अपने आप को उसके साथ जोड़ करके उसकी भव्यता को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके द्वारा भी ऐसे आयोजनों को सनातन परम्परा का संवाहक के रूप में चिन्हित किया गया है, उनके द्वारा बताया गया है और इसे अनेक परंपराएं हमारे भारत में विकसित हैं जिसमें काशी नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे चलती है। अभी कुछ दिनों बाद देव दीपावली होगी, लाखों की संख्या में दीप जलेंगे, लाखों की संख्या में बाहर के लोग, श्रद्धालु लोग, पर्यटक लोग आएंगे और आकर के हमारे सनातन परम्परा को देखेंगे कि हमारी सनातन परम्परा में कितना दम है और हमारी सनातन परंपरा कैसे एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है, समाज के हर वर्ग को एक साथ जोड़ करके एक पंक्ति में ला करके खड़ा करने का काम करती है। ईस्वी में अंग्रेजों के अत्याचार से पूरी जनता भारत की कारा रही थी। बाबा फतेह राम ने पवित्र करवा चौथ के दिन भगवान राम को आधार बनाकर इस मेले का शुभारंभ किया और अंग्रेजों का जबरदस्त विरोध लाख विमान के माध्यम से इस मेले में होता रहा। फिर भी अंग्रेज कलेक्टर को जनमानस के आगे झुककर इसका उद्घाटन करना होता था और इस मेले में चंद्रशेखर आजाद जैसी बड़ी बड़ी स्वतंत्रता के इतिहास के दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी इस मेले में आए हैं, गोपनीय रूप से मेले का संचालन तक किए। आज यह मेला बाबा फतेहराम के बनाए निर्देश पर 137वें वर्ष में भी चल रहा है। हम लोग देश विदेश में जो घटनाएं घटती हैं उसके दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि चंद्रमा पर चंद्रयान का परीक्षण उसको हम लोग दिखा रहे हैं और जो उग्रवादियों मुस्लिम उग्रवादियों द्वारा पूरे विश्व को परेशान किया जा रहा है उसके बारे में भी हम लोग समाज हमास इसराइली युद्ध को भी दिखा रहे हैं। भारत के ऊपर उग्रवादियों का पाकिस्तानी आक्रमण जो रोज हो रहा है उसको भी मेले में दिखा रहे हैं कि ये उग्रवाद पूरे विश्व में बंद होना चाहिए और इनका विरोध होना चाहिए। मीटर, 33 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 मी
वर्षों पुरानी इस लीला में परंपरागत लाग विमानों के साथ आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गईं। तेरी मेरो जिया
हटेगी।